कि एक ड्रग पेडलर एक ऐसा इंसान है कि मुझे लगता है कि वो टेररिस्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी बड़ा खतरनाक है। और पहले बुलेट्स होते थे, पहले ग्रेनेड अटैक्स होते थे, और आई कैन से पहले टारगेट किलिंग्स भी होती थी। सो वो चीज से हमें यू नो आई कैन से दैट आज उस चीज से हमें आजादी मिली है। सो फ्रॉम लास्ट वी हैव टू लुक फॉर द जॉब्स ऑफ टुमारो। नाउ व्हाइल लुकिंग एट द जॉब्स ऑफ टुमारो, व्हाट वी फर्दर डू, वी कंजस्ट आवरसेल्फ। हम एक ऐसी भीड़ में चले जाते हैं जिस भीड़ में ऑलरेडी 7.5 लाख लोग खड़े हैं। आप पिछले 3 साल की डायनेमिक्स देखिए, जेके बैंक ने एसोसिएट के लिए जब जॉब निकाले, एक जॉब के लिए कम से कम 110 लोगों ने कंप्लीट किया। जब टीचर का लिस्ट पिछले 2 साल में आया, एक जॉब के लिए 172 लोगों ने कंप्लीट किया। हम सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हम सब करेंगे की है, हम अल्लाह से सबको अपना रोजगार हम करें। लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि एक नौजवान उसके साथ साथ जो आस पड़ोस में उसके रिश्ता में बेकार बेरोजगार लेके एक तो खुद का फायदा उठाए और उनको भी रोजगार फराहम। नौजवान जिनको अच्छी अच्छी या तो शराब नोशी के शिकार है या तो सिगरेट नोशी के शिकार है, इस तरह की बहुत सारी खुराफात में पड़े। मैं सेव यूथ सेव फ्यूचर एनजीओ ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस प्रोग्राम में जो हमारे यूथ हैं पिछले कई साल से यहाँ के जो हालात हैं उसकी वजह से इन पर काफ़ी ब्रंट है, और कई जगह इनको अब हमें हैंड होल्डिंग करके आगे फ्यूचर की तरफ इनको एक रोशनी दिखानी है, जिसमें चाहे गवर्नमेंट हो या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो उसका एक सीरियस रोल बनता है। और आज का जो प्रोग्राम था जिसमें कुछ बातें वुमेन एम्पावरमेंट की हुई, कुछ बातें मॉडर्न एजुकेशन की हुई, कुछ बातें रिलीजियस एजुकेशन की हुई, कुछ बातें करियर काउंसलिंग के हवाले से हुई, कुछ बातें जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट इस वक्त है स्टार्टअप्स को या MSMEs को उसके हवाले से हुई। और मुझे यकीन है कि जो यूथ यहाँ पर जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया वो काफ़ी मुस्तफीद हुए, और मैं मुबारक करता हूँ इस NGO को कि एक ऐसा प्रोग्राम उन्होंने एक ऐसे जंक्चर पर ऑर्गेनाइज़ किया जिस पर इन जो हमारे बच्चे और हमारे यूथ हैं इनको इस सब चीज़ों की बहुत ही अशद ज़रूरत है। और मैं यकीन करता हूँ कि ये प्रोग्राम और भी डिस्ट्रिक्ट्स में और भी लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और बार बार जो हमारे यूथ हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर की तरफ से हमने आज एक इनिशिएटिव लिया। इससे पहले हमने लास्ट 2 ईयर्स से हम इनिशिएटिव लेते आ रहे हैं यूथ पार्लियामेंट। इसका मतलब भी है कि दैट इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ यूथ, इट्स अ पार्लियामेंट ऑफ एवरी कश्मीरी यूथ, कि जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए, यहाँ पर आए, अपनी बात रखे, अपने ओपिनियंस, अपने इश्यूज डिस्कस करें विद एडमिनिस्ट्रेशन, विद एजुकेशनिस्ट जो हमारे यहाँ पे हैं, विद पुलिस एंड अदर यू नो स्टेक होल्डर जो डिस्ट्रिक्ट्स के होते हैं उनसे बात करें। यही था कि दैट रीज़न यही था कि इनको हमारे जो युवा है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी बात रखे, जहाँ पे वो अपने इश्यूज डिस्कस करे। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने हमेशा से इस इनिशिएटिव पे बात की है कि जहाँ पे चाहे वो गांव का लड़का हो, चाहे वो एजुकेटेड लड़का हो, चाहे वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, यही हमने इनिशिएटिव लिया कि वो अपनी बात रखे और इसका मेमोरेंडम बना के विल सबमिट इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सम हाउ जो हमारे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे भी सबमिट करेंगे। और ये इनिशिएटिव हमने इससे भी पहले भी लिए हैं और इंशाल्लाह रहमान आगे भी लेंगे इंशाल्लाह। यू नो हम सबको पता है कि हमारी जो कश्मीर की बात करते हैं, एजुकेशन तो सबके पास है, डिग्रियाँ तो बहुत है, बट एम्प्लॉयमेंट अभी उतनी नहीं है। और सम हाउ गवर्नमेंट इज़ नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट हर किसी को गवर्नमेंट जॉब दे, और सम हाउ जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स प्रोवाइड की है उसका लाभ सबको उठाना चाहिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है, मुझे लगता है कि दैट्स अ इश्यू जिसकी वजह से सम हाउ हमारे जो नौजवान वो डिफरेंट मुख्तलिफ रास्तों पे चले जाते हैं। बट उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स यू नो इनिशिएट किए हैं। बट आई कैन से दैट मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दैट गवर्नमेंट को जो आई कैन यहाँ पे इतने सारे जो 200-300 लोग आए थे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम जो मेजॉरिटी थे वहाँ पे इनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। सो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये एक ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसी, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा यहाँ पे भेजती है उसका बाज़ाब्ता तौर पर यूटिलाइज होना चाहिए,
उन लोगों तक और स्पेशली हमारे नौजवानों तक ये पहुंचना चाहिए और बिना झिझक और बिना देख के कि ये कौन सा लड़का है, किस फैमिली बैकग्राउंड से है, और विदाउट नेपोटिज्म की वजह से उसका वो हक मिलना चाहिए। यू नो आई विल टेल यू कि दैट यू नो आई विल अप्रिशिएट दिस थिंग जो आपने बोला कि दैट पहले पैलेट्स होते थे, पहले बुलेट्स होते थे, पहले ग्रेनेड अटैक्स होते थे, और आई कैन से पहले किलिंग्स होती थी, यू नो टारगेट किलिंग्स भी होती थी। सो वो चीज़ से हमें यू नो आई कैन से दैट आज उस चीज़ से हमें आज़ादी मिली है। सो फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि दैट कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। बट और एक जो मुसीबत हमें जो हमें देखने को मिल रहा है आज, दैट्स ड्रग्स। बट उसके लिए आई कैन से दैट जो एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उसके साथ साथ वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम करे। बट उससे ज़्यादा बनता है एज अ सिविल सोसाइटी, एज अ यूथ, एज अ पेरेंट्स, जो हमारे जो कश्मीर, उनका भी रोल बनता है कि दैट उस पर वर्कआउट करें। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हमारी जो सिविल सोसाइटी, हमारे जो लोग हैं, वो साथ मिलकर काम ना करें, इस मुसीबत से हम यू नो आज़ादी नहीं मिल सकती। इस मुसीबत से जो आज़ादी हमें उस चीज़ से मिली कि जो स्टूट पेल्डिंग से या पैलेट गन से या बुलेट से या किलिंग से, मुझे लगता है कि दैट आई कैन से दैट कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस चीज़ से हमें आज़ादी मिली, पहले जो हमें मुसीबत थी वो भी हमारा एक रोल था जिसने हमें उस चीज़ से दूर रखा, और हमारा भी एक रोल है एज ए NGO, एज ए एक्टिविस्ट, और एवरी कश्मीरी का ये रोल है कि दैट इस पर वर्कआउट करे। जो भी ड्रग पेडलर है, आई कैन से दैट वो एक जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ड्रग पेडलर एक ऐसा इंसान है कि मुझे लगता है कि वो टेररिस्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी बड़ा खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कि जो ड्रग एडिक्ट बेचारा है, आई कैन से दैट मैं अपनी तरफ से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमेशा बोलते हैं कि दैट वो एक बीमार इंसान है, उसका हमें इलाज करना है, न कि उसको आप किसी जेल में डालो या बाकी चीज़ें डालो, उसका हम इलाज कर सकते हैं। रही बात ड्रग एडिक्ट ड्रग सप्लायर की, उसके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई की करनी चाहिए, और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी करनी चाहिए।